आपका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों देखिए, गेहूं रखने के लिए मेरे यहाँ दो नया ड्रम आया है। एक तो दोस्तों देखिए, दो पहले से भी था और एक और था, तो उसके बाद भी मतलब हम दो और मंगा लिए हैं, क्योंकि ये सब पुराना हो गया है और ये नया है और काफ़ी मजबूत है, मोटा चद्दर का है तो काफ़ी समय तक चलेगा। तो कुछ टिकाऊ चीज़ होती है तो काफ़ी टाइम चलता है। और गेहूँ जो बोरे में रखो सब चूहे काट देते हैं, इसलिए मैंने दो ड्राम नया मंगा लिया है। तो ये थोड़ा बड़ा है, जिसमें 6.5 क्विंटल तक का गेहूँ चावल कुछ भी रख सकते हैं, और ये 5.5 क्विंटल का है। तो दोनों है बट दोनों बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने स्वास्तिक बना के इसका स्वागत कर दिया, क्योंकि मेरा मंगलवार दिन अच्छा होता है। तो ये कल ही रात को आया था बट आज हमने स्वास्तिक बनाया है। और अभी हमारे यहाँ जो चाचा हैं जो काम करते हैं वो भी आएंगे, इसमें गेहूँ डालेंगे, दोनों में फुल स्टॉक करेंगे। और ये जब महंगा होगा तभी बिकेगा, अभी नहीं बिकेगा। और जो जो भी आदर गेहूँ होगा वो बेच देंगे या फिर उसको बोरे में छल्ली लगवा देंगे। तो इसलिए हमने ये दो नया लिया है। और हमारे यहाँ खाने वाले तो थोड़े लोग हैं, एक ड्राम से ही काम चल जाता है, बट अभी हमारे यहाँ थोड़ा ज़्यादा ड्राम हो गया है। तो सोच रहे होंगे आप लोग कि इतने साल तक क्या करेंगे। अभी तो अभी और भी लेना है, अगले साल हम सोच रहे हैं एक ड्राम और लेने के लिए, क्योंकि अभी गेहूँ हमारे यहाँ होता है ज़्यादा, तो हम उसको बोरी में रखते हैं तो चूहे काट देते हैं, इसलिए हम सारा ड्राम में स्टॉक रखेंगे। तो ये जो पुराना ड्राम है ना, इसमें मैं पैंट लगवा दूँगी तो भी न्यू हो जाएगा, बट पुराना पुराना ही होता है, पॉलिश नया नहीं होता। ये दोनों थोड़ा नया है और काफ़ी अच्छा है, तो इसका प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा लगा है बट अच्छा है। और अगले साल मैं एक ड्राम और भी लूँगी, ताकि ये है कि अनाज जो रहे ना वो सेफ़ रहे, इसमें सेफ़ रहता है। एंड हम कभी भी बेचें तो ऐसा नहीं रहता है कि हाँ चूहे, वैसे बोरे में चूहे काट देता है, क्योंकि आप ये रूम देख ही सकते हैं कि अभी इसका डेकोरेशन नहीं हुआ है, हालांकि तब तक के लिए ड्राम ही सही है। तो अभी यही दिक्कत है। और मैं इस टाइम बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं शूट कर रही हूँ, बस रोज़ शॉर्ट वीडियो ही शूट कर रही हूँ, क्योंकि मेरी दो भांजी हैं वो आई हैं और मैं उनको वीडियो में नहीं शामिल करती, क्योंकि वो स्टूडेंट है। तो अभी मैं उनको वीडियो में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती, क्योंकि विदाउट जिसको नहीं पसंद वीडियो बनाना, मैं उसको कभी भी अपने वीडियो में शामिल नहीं करती, मैं उनका फेस कभी भी वीडियो में नहीं लाती। बट वो भी पहले वीडियो में मेरे बहुत सारे हैं, बट आने वाले वीडियो में भी आप देख भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट इस टाइम मैं उनको वीडियो में नहीं इन्वॉल्व की, बट वो रोज़ आती हैं और मेरे शॉर्ट वीडियो बनाने में मेरी पूरी हेल्प करती हैं। और इस टाइम में काफ़ी उन्हीं सब लोगों के साथ थोड़ा मेरा टाइम स्पेंड हो जाता है, इसलिए मैं वीडियो पर फोकस कम कर रही हूँ, बट शॉर्ट वीडियो बहुत अच्छे अच्छे बना रही हूँ। प्लीज़ जाकर उसे देखिएगा और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी भूलिएगा। और मुझे वॉच टाइम कंप्लीट करना है, उसके लिए मुझे लॉन्ग वीडियो ही बनाना है, बट मैं लॉन्ग बना नहीं पा रही हूँ, मेरी कुछ दिक्कतें हैं थोड़ी। सो अभी चाचा हमारे आएंगे और गेहूँ डालेंगे, तो ब्लॉग पे बने रहिएगा, ब्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों बहुत छोटा ही वीडियो बनाऊँगी मैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो बोरिंग हो जाता है। और मैंने पहनी है आज ग्रीन ग्रीन साड़ी, तो मुझे ये साड़ी थोड़ी सी हल्की है, कम्फर्टेबल है, इसलिए मैं घर में यही रोज़ यूज करती हूँ। मैं नाइटी में रहती हूँ, बट आज गेहूँ रखाना है तो चाचा आएंगे वो गेहूँ डालेंगे, तो इसलिए मैंने साड़ी डाल लिया है। कोई आता है तो साड़ी डाल लेती हूँ, बट रोज़ कंफर्टेबल नाइटी ही रहता है, समझ सकते हैं आप। मेरे रोज़ वीडियो में जो देखते हैं वो सब जानते हैं। तो दोस्तों वीडियो पे बने रहिएगा एंड वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा। और हाँ, मेरे जितने भी लॉन्ग वीडियो हो प्लीज़ उसे वॉच करिए, क्योंकि मेरा वॉच टाइम मुझे कम्प्लीट करना है। दोस्तों पूजन हो गया तो अभी मीठा तो बनता है, तो मैं चली बनाने सूजी का हलवा, क्योंकि जब कुछ नया आता है मीठा बनाना चाहिए। वैसे भी ट्विंकल 2-3 दिन से हलवा मांग रही है, तो मैं चलती हूँ हलवा बनाने, क्योंकि मेरी भांजी भी आई हैं, उनको भी बहुत हलवा कर रही हैं 2 दिन से। तो चलिए मैं हलवा बना लेती हूँ। ये मेरा हलवा बन चुका है
और जैसे कि आपको पता ही है कि मैं कुछ भी बनाती हूँ तो पहले भगवान जी को भोग लगाती हूँ। तो पहले मैंने थोड़ा सा भगवान को जी को भोग लगाया और मैं थोड़ा सा ली, तो मेरा प्लेन हलवा है, इसमें कुछ भी नहीं है क्योंकि इसमें कुछ भी पड़ जाता है हलवा में तो ट्विंकल खाती नहीं, उसको उसको प्लेन हलवा ही पसंद है, तो इसलिए मैं प्लेन ही बनाती हूँ। क्योंकि आपको ना कुछ भी अपने बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए, अगर घर के बच्चे खा कर खुश है ना तब भी हमारा खाना सफल होता है। ट्विंकल को जो पसंद है मैं उसी अकॉर्डिंग बनाती हूँ और उसी अकॉर्डिंग सब सब खा लेते हैं। तो उसको प्लेन हलवा पसंद है तो मैं प्लेन ही बनाई हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा मीठा नहीं पसंद, मुझे तीखा चीज़ पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा सा ही ली हूँ। तो आप सब भी आइए खाइए मीठा, और छोटे से सामान हम मेरा आधा मिडिल क्लास लोगों की यही है कि हम लोग छोटे छोटे खुशी में ना बहुत खुश हो जाते हैं। तो मेरा अभी किसानों के घर ना अनाज की बात आती है ना, तो वही उनकी खुशी है। और हम लोग के यहाँ भाई न्यू ड्रामा है, इसमें अनाज हर साल स्टोर होगा, लक्ष्मी जी हमारे घर अनाज के रूप में अन्नपूर्णा देवता निवास करेंगे। तो मुझे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं छोटी छोटी खुशियों में खुश हो जाती हूँ, इसीलिए मैंने हलवा बनाया है। घर की हालत देखिए, सब गेहूँ ट्विंकल जितना भी घर का सामान है ना सब गेहूँ के ऊपर ला के रख दी है। अब गेहूँ पे चेयर रख के उस पर बैठती है, बाल्टी भी इस पर ला के रख दी है, सारे घर के जितने छोटे मोटे सामान है सब गेहूँ पे ला के रखती है, बहुत ज़्यादा शरारत करती है और मोटा भर भर के पूरे घर में छींट रही है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। सारा दिन हम लोग ना वो छींटती रहती है, हम लोग इकट्ठा करते रहते हैं, तो आज ये वाला प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, ड्राम में सारे गेहूँ चले जाएंगे और सब बोरियों में छल्ली भी लग जाएगा। तो दोस्तों अभी ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं अब सारा वीडियो तो नहीं बना सकती, तो वीडियो आज तक का यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।